कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से कई यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। वहीं बिहार में भी लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान को लेकर वैशाली के ऐतिहासिक गंगा गंडक संगम कोनहारा घाट समेत विभिन्न गंडक घाटों पर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने नदी में पवित्र स्नान किया। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ विभिन्न मठ मंदिरों में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पवित्र स्नान को लेकर कोनहारा घाट, कौशल्या घाट, कदम घाट, पूल घाट, बालादास घाट, क्लब घाट, बूटन दास घाट समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कोरोना काल के 2 साल बाद गंगा स्नान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बहुत खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि ये महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर भक्त इस महीने में सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करे तो उसकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हम लोग मेघालय से आए हैं, बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। यहाँ मेरी ननद का घर है, वहीं रात को आए हैं, अभी स्नान करके चले जाएंगे। कोनहारा घाट के बारे में सुनते हैं, जी यहाँ स्नान करने से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है मिलता है जी। विष्णु भगवान ने ही क्या स्नान किए थे, इसी वजह से कोनहारा घाट में कोई स्नान करता है। कितना है हिंदू देवी? नहीं, मेरे पूरे फैमिली, मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, मेरी मौसी को लेके आए हैं, वो कहाँ फरीदाबाद से आई है, उन्हीं को स्नान करवाने के लिए लेके आए। बच्चे लोग पहला बार आए, वो लोग गंगा स्नान फर्स्ट कर रहे हैं। गाढ़ा लगने वाला है सुबह में, इसलिए हम लोग अभी स्नान कर ले रहे हैं, नहीं तो सुबह में गेट बंद हो जाएगा। पूजा करने के लिए मंदिर का, हाँ महुआ से, काजल शर्मा, हाँ कर लिया, बस पहली बार आया है। सब बोलता है पूजा पाठ करने से अच्छा होता है, नहाने से पाप धुलता है, इसलिए आया है, मम्मी लोग लेकर आई है। हाँ चंद्रग्रहण के चलते इस मेरा स्नान किए हैं कि दिन में चंद्रग्रहण में तो पट बंद हो जाएगा सब, तो हम लोग पूजा कैसे करेंगे, जल ढारेंगे कैसे, फिर जब खत्म होगा जब रात में करेंगे, इसी कारण है। रात में स्नान कर लिए? रात में स्नान कर लिए। क्या नाम हुआ? हमारा देविंदर चौरसिया नाम हुआ। गंगा स्नान का क्या महत्व? यहाँ स्नान का क्या महत्व है? महत्व है कि यहाँ हरिहर छत्तर के नाम पर उधर हुआ, कुन्हारा घाट के नाम पर बहुत महान शक्ति है इनमें, तब न इतना पंच लोग यहाँ आने आए हैं, महान है यहाँ का। यहाँ मुर्दा भी फुकाता है तो कुन्हारा घाट नामी है। बहुत बहुत दूर से, बहुत कोस से आते हैं लोग। जिला प्रशासन द्वारा कोनहारा गंडक घाट समेत विभिन्न घाटों पर बैरिकेटिंग, नियंत्रण कक्ष, चेकिंग रूम, सीसीटीवी कैमरा, वॉच टावर समेत घाट को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सदर एसडीओ के मुताबिक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। हमारे हाजीपुर साइड में है, गंडक के किनारे लगभग 10 घाट चिन्हित हम लोग के द्वारा किया गया है, जहाँ पर जितने भी हमारे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आए हुए हैं वो जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कोनहारा घाट पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबा स्टेज में घाट बना हुआ है, आगे हमारा बैरियर भी लगा हुआ है लाल कपड़ा के साथ, और आगे सुरक्षा के लिए लकड़ी का नाविक गोताखोर के साथ लगा हुआ है, स्टैटिक है, और एसडीआरएफ का नाव रनिंग कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है सभी घाट पर। कुछ दूरी पर हमारे मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं पुलिस फोर्स के साथ। आने वाले रास्ते में घाट पर जो भी रास्ते आते हैं वहां पर बीच बीच में हमारी पुलिस फोर्स है, और हमने स्कॉट एंड गाइड के बच्चों का भी मदद दिया है, वो भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं। घाट पर कुछ स्टेज में हमारे बड़े बड़े वॉच टावर लगे हुए हैं, जिस पर पुलिस फोर्स तैनात है, जो ऊपर से भीड़ की निगरानी कर रहे हैं। और हाँ, ये 2 साल के बाद ये हो रहा है, और जैसे पिछली बार जितनी संख्याएं थी हमें लगता है कि उससे 1.5 से 2 गुना आएगा, और ये लगभग 5 से 6 लाख लोग संभावित है, और उस अनुसार हम लोग की तैयारी है।
गंगा स्नान को लेकर बिहार के विभिन्न जिले एवं अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। घाट पर पूजा अर्चना को लेकर भक्तिमय वातावरण बना रहा। आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के चलते लोगों ने रात ही में स्नान कर पूजा अर्चना कर ली, क्योंकि सुबह से ही सभी मंदिर का पट बंद हो गया है।